हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हमने कितना सुंदर सा एक कान्हा जी का चूल्हा बनाया है। इसे हमने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और घर पर पड़े हुए सामान से बना लिया है। तो चलिए इस जन्माष्टमी में हम इस झूले को बनाते हैं। तो आज हम कान्हा जी का झूला बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड लिया है, आप इसकी जगह कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। इसे हम सबसे पहले बेस बनाएंगे। तो इसे हम पहले चिपका लेते हैं फेविकॉल से, जिससे कि ये खुले ना। इस तरीके से, जिससे कि ये खुले ना। अब हम कोई भी चार्ट पेपर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरीके का ये चार्ट पेपर लिया है। चार्ट पेपर से हम इसे पूरी तरह से कवर कर देंगे। इस तरीके से रखते हुए हम इसे कवर कर देंगे। इसे पूरा कवर कर लेते हैं फेविकॉल लगाकर। तो इस तरीके से मैंने ये पूरा कवर कर दिया है। तो अब हम इसे साइड से रख देंगे। अब हम एक और इस तरीके का कोई भी कार्डबोर्ड लेंगे, इसे हम सिंहासन बनाएंगे। तो इसमें से मैंने एक छोटा सा चौकोर पीस कट कर लिया है। तो अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दवाई की बोतल का एक कैप लिया है। तो इसे हम इस तरीके से रख कर इसमें निशान लगाएंगे। तो हाफ तक हम इसमें निशान लगाएंगे। ये देखिए हाफ हो गया। इसके बाद हम इस साइड में थोड़ा सा इसे नीचे रखते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद हम एक निशान और लगाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी ये डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिंहासन के लिए डिजाइन बना लिया है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है और ये मैंने यहाँ पर और भी पीस कट किए हैं ये दोनों साइड से लगाने के लिए। इस तरीके से इन दोनों को साइड से लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कान्हा जी का सिंहासन बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे कवर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपड़े का यूज किया है, आप कुछ और भी यहाँ पर ले सकते हैं। ये कपड़े से हमारा ये झूला मजबूत बनेगा। तो अब हम इसका निशान लगा लेते हैं। तो हम आधा आधा इंची का गैप छोड़ते हुए इसका निशान लगाएंगे। आधा आधा इंची हम कपड़ा ज़्यादा कट करेंगे, जिससे कि ये हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। फैब्रिक ग्लू का यूज कर रही हूँ। तो इसी के ऊपर हम एक और पीस यहाँ पर इस तरीके से इस पर चिपका देंगे, जिससे कि ये हमारा पूरा चिपक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर कर लिया है दोनों साइड से। तो अब हम इन्हें भी कवर कर लेंगे इसी तरीके से कपड़े से। तो इनको मैंने इस तरीके से कवर कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इन्हें चिपका कर सिंहासन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से।
इस तरीके से हम इन्हें चिपका लेंगे। इस तरीके से तो ये हमारा सिंहासन बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की एक रस्सी ली है, इस तरीके की। तो अब हम यहाँ से पूरे सिंहासन पर ये रस्सी लगाएंगे, इस तरीके से इसके ऊपर चारों ओर से कवर कर लेंगे। तो इसे भी हम लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके चारों ओर ये लेस लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये गोल शीशा लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोल शीशा लगाऊंगी इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर ये इस तरीके की ये मोतियों की माला ली है। ये मैंने अपने टूटे हुए कंगन में से निकाली है। ये देखिए इस तरीके का ये कंगन था, इसमें से ले ली है। तो इसे भी हम लगा देंगे इसके चारों ओर। तो इस तरीके से मैंने ये लगा दी है। तो अब हम इसके बाद ये बॉल चेन लगाएंगे। आप इसे अपने मनपसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हम ग्लू लगाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसके बाद मोतियां लगाएंगे। तो आपके पास जो भी मोती हो आप वो मोती इसमें लगा सकते हैं। तो इसे मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कलरफुल स्टोन लगा दिए हैं। तो ये हमारा इस तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर ये लेस लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, जिससे हमारा पालना बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ये लेस लगा दी है। तो ये हमारा झूला कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब जो हमने ये इसका बेस बनाया था उसे लेंगे और यहाँ पर भी हम इसके फ्रंट साइड में ये इस तरीके से लेस लगा देंगे। इस पे भी मैं लेस लगा दी है। तो ये हमारा झूला और ये इसका बेस बनके तैयार हो गया है, यानी कि कान्हा जी का सिंहासन, और ये इसका बेस बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसके चारों ओर लगाने के लिए स्टिक बना लेते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर का जो अंदर का रैप होता है वो हो तो आपको इसके लिए स्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज यहाँ पर न्यूज़पेपर से बनाऊँगी। तो चलिए स्टिक बना लेते हैं। तो अब हम न्यूज़पेपर लेंगे। तो न्यूज़पेपर को मैंने इस तरीके से डबल बार फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने इसे डबल बार फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका थोड़ा सा मोटा सा रोल बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर और भी न्यूज़पेपर ले लिए हैं इसमें। तो जितना मोटा मुझे चाहिए उतना मैंने ले लिया है। अब हम इसमें से अपने साइज की जितनी हमें इसकी ऊंचाई रखनी है झूले की, उतने ऊंचे ऊंचे हम इसकी स्टिक कट करके तैयार कर लेंगे। मैं इतनी ऊंची ऊंची 5 बनाकर तैयार कर लूंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये 5 बना ली हैं। तो अब हम अपना कपड़ा लेंगे
और इसे हम कपड़े से फोल्ड रैप कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे पूरा रैप कर लेंगे। इसी तरीके से हम इनको चिपका लेंगे ग्लू से। तो इसी तरीके से ग्लू से चिपकाते हुए हम इनको रैप कर लेंगे। तो इसे मैंने कपड़े से कवर कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर ये रस्सी लगाएंगे जिससे देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। थोड़ा सा ग्लू लगा देंगे। तरीके से तो इसी तरीके से हम सभी को कवर कर लेंगे रस्सी लगाकर। तो मैंने यहाँ पर सभी को कवर कर लिया है। ये मैं ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये डिफरेंट से कलर इस तरीके से ये लेस लगा ली है। तो अब हम इसका वेस्ट लेंगे जो हमने बनाया था। तो इसी तरीके से हम इस साइड में भी लगा देंगे। तो ये मैंने पीच वाली भी लगा दी है और ये साइड वाली भी हमारी अच्छे से लग गई हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें पन्ना लगाएंगे इस तरीके से। तो जो मैंने यहाँ पर ब्लैक वाली रस्सी को रैप किया है उसी को मैंने यहाँ पर लिया है पन्ना को लगाने के लिए। रस्सी इधर उधर न जाए इसलिए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लू लगा कर इसे चिपका देंगे रस्सी को। और इसे हम और भी तरीके से इसे डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पर ये बॉल चेन वाली रस्सी ली है। इससे थोड़ा देखने में और भी अच्छा लगेगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे काट देंगे इस तरीके से। तो जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लटक रहा है इसी तरीके से हमने इस साइड में लटका हुआ है थोड़ा सा इस साइड में ऐसे भी हम चिपका देंगे। अब हम यहाँ पर एक रस्सी लगाएंगे बीच में कान्हा जी को झुलाने के लिए इस तरीके से। और अपने कान्हा जी को हम इस तरीके से इस पर झुलाएंगे। तो इस तरीके से कान्हा जी को रख कर हम इसमें झुला सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये झूला बनके तैयार हो गया है। तो आपने देखा इस झूले को बनाने में हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर पर पड़े हुए हमने सामान से ये बहुत ही सुंदर सा कान्हा जी का ये झूला बना के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।